नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। रोजमर्रा की जिंदगी में ठगों बेईमानों से अपने आप को बचाने के लिए डोर टू डोर बिजनौर पुलिस अब लोगों को जागरूक करती नजर आ रही है। वही इस पहल से इलाके के लोग भी पुलिस की इस पहल से खुश नजर आ रहे हैं। साइबर क्राइम के बढ़ते मकड़जाल से बचने के लिए बिजनौर पुलिस अब घर घर जाकर लोगों को जागरूक व सतर्क करती नजर आ रही है। बाकायदा पंपलेट के जरिए आवाम को सतर्क व जागरूक किया जा रहा है, वो भी बिजनौर पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के कहने से। देश में फैल रहे 7 बिंदुओं के क्राइम पर पुलिस ने आवाम को सतर्क करते हुए पुलिस के हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। बैंक कर्मचारी बनकर फ़ोन करने वाले एटीएम का कार्ड बदलकर महिलाओं को गंदे एसएमएस करने, पासपोर्ट चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में रिश्वत जैसे मामले को जानकारी दी। किस लिए बांटी गई है, क्या ये जो पंपलेट बांटी गई है, ये हमारे तहसील चौकी के दो दीवान जी, हमारे दानवीर जी और एक प्रदीप कुमार जी, और इन्होंने ये वार्ड नंबर 19 की जनता है और वार्ड नंबर 3 है, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। इन लोगों को जागरूक किया है कि कहीं भी कोई समस्या हो, किसी तरह की परेशानी हो, या कोई पासपोर्ट में कोई पुलिस वाला पैसा मांगता हो, या कोई दबंग आदमी टाइप का हो, कोई इस तरह से धमकाता है, परेशान करता है, डांटता है, उसके लिए जागरूक किया है कि इसमें नंबर भी दिए गए पंपलेट में, व्हाट्सएप नंबर है, कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान होगा और उस पर कार्यवाही भी होगी। अच्छा, जानना चाहते हैं कि आपको ये पुलिस की पहल कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी पहल है, ये जनता के लिए एक सपोर्ट भी है, बहुत अच्छी है। जो लोग नहीं पहुंच पाते थे उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है।